मुसलमानों, मैं तुमको एक बात बताता हूं और तुमको याद होगा, तुमसे दूर नहीं है 2002 का वो वाक्या, आपके करीब में गुजरात पड़ता है मेरे भाई। उस नरोदा पाटिया की कहानी सुनाता हूं। जब मैंने सुना, जब ये नरेंद्र मोदी ये कहता है कि हमारी महिलाओं को अधिकार दिलाएगा, हमारी महिलाओं को एक हक देगा, मेरे भाई उस नरोदा पाटिया की आपको कहानी सुनाता हूं। एक माजिद नाम का शख्स IBN 7 पर इंटरव्यू दे रहा था, मैं उसका इंटरव्यू सुनने लगा। वो शख्स कहता है कि अल्लाह, तूने अगर मुझे मौत दे दी होती ऐसा वाक्य दिखाने से पहले, तो मैं खुशी खुशी अपनी मौत कबूल कर लेता। वो कहता है, अल्लाह काश मेरी आंखें फूट गई होती ऐसा मंजर देखने से पहले, तो भी मैं खुशी खुशी कबूल कर लेता। वो कहता है, मैं कैसे बताऊं, मैं कैसे सुनाऊं अपने दर्द को, मैं अगर अपने दर्द को बयान करता हूं तो मेरा दिल करता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। उस दर्द को सोचना मुसलमानों, वो दर्द का मंजर क्या होगा जब वो कहता है कि नरोदा पाटिया के अंदर 18 साल की बच्ची हो, 7 साल की बच्ची हो, 5 साल की बच्ची हो, 25 साल की औरत हो, चाहे वो बच्चियां, लड़कियां, औरतें, हमारी माँ बहनों को ये जालिम घसीट घसीट कर निकाल रहे थे और उनके साथ बलात्कार पे बलात्कार कर रहे थे और उनको मार देते थे। और यहां तक नहीं, उसने बोला, मैं कैसे वो मंजर को बयां करूं। एक औरत की डिलीवरी होने वाली थी, 7 बजे उसकी डिलीवरी होने वाली है और इन जालिमों ने 7 बजे ही उसका रेप कर दिया और उसके पेट को चीर कर एक जिंदा बच्चे को निकाला और उस जिंदा बच्चे के तलवार से 2 टुकड़े कर फेंक दिए। उस मंजर का आलम क्या होगा, तुम तो दूसरे का झंडा उठा लेते हो, उस मंजर को याद करो। वो कहता है कि 4 साल 5 साल की बच्चियां क्या होती है मेरे भाई, हमारे गोदों में खेलती है, हम उन्हें गोद में घुमाते हैं, लोगों से बताते हैं हमारी बच्चियां हैं। 4 साल 5 साल की बच्चियों को 20 साल से लेकर 25 साल के नौजवान खींच खींच कर नोच कर रेप कर रहे थे और वो बच्ची कह रही थी कि अम्मा बचा लो, अब्बा बचा लो, लेकिन कोई फरियाद सुनने वाला नहीं था। वो मंजर सोचो मुसलमानों, वो मंजर आज ये महिलाओं के अधिकार दिलाने की बात करता है, हमारी माँ बहनों को तन्हा समझता है। अरे उस मंजर को याद करके तुम्हारा खून नहीं खोलता। वो कहता है, मेरी 3 बेटियों को मार दिया, 3 बेटों को मार दिया, मेरी बीवी को जिंदा जला दिया, मैं किस किस को ये मंजर बताऊं। और यहां नरेंद्र मोदी अगर उस माजिद की जगह होता तो उसको एहसास होता, उसको एहसास होता कि परिवार खोने का दर्द क्या होता है, किसी बहन या बेटी की अस्मत लुटने का दर्द क्या होता है। वो नरेंद्र मोदी आज विकास की बात करता है, सबके साथ और सबकी बात करता है मेरे भाई। उस मंजर को क्यों नहीं याद करते, क्या उस समय कांग्रेस दौरे इख्तदार में थी, कांग्रेस की हुकूमत थी मेरे भाई, अगर कांग्रेस चाहती तो उन सालिमों को सजा देती, नरेंद्र मोदी को जेल में डालती, नरेंद्र मोदी को कटघरे में डालती, तो मेरे भाई आज जो ये मंजर फिर से हमें देखना पड़ रहा है, ये मंजर नहीं देखना पड़ता मेरे भाई।